फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल CELT सिविल इंजीनियरिंग लैब टेस्टिंग। आज हम गाइस करेंगे FDT का बैक कैलकुलेशन। ठीक है गाइस, ये अपना फॉर्मेट है बाय सेंड रिप्लेस मेथड IS 27-28। इसका बैक कैलकुलेशन दोस्तों बहुत सिंपल है। इसमें अपन को क्या करना है, जैसे पहले तो अपन को ये लिख ही लेना है, जैसे बोर एरिया नंबर है अपना 23, उसका MDT OMC लिख लेना, जो बोर एरिया अपन यूज़ कर रहे हैं सोइल का दोस्तों 1.971 और OMC 10.24। ठीक है गाइस, अभी अपन को ये भी लिख लेना है बल्क डेंसिटी 1.415। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, सिंपल बैक कैलकुलेशन बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। जो अपना सेंड पोरिंग सिलेंडर है दोस्तों, उसका जो कैलिब्रेशन रहता है, जैसे कहीं पर 30 केजी का रहता है, कहीं पर 28 केजी का रहता है, उस हिसाब से वो अपन को यहाँ डाल देना है दोस्तों। हमारे इधर में 30 केजी का है। वेट ऑफ सेंड इन कोन, वो भी कैलिब्रेशन करते हैं दोस्तों, उसका भी जब भी आता है वो होता है, वो लिख लेना है दोस्तों। हमारे इधर में इतना है कि अपन को कैलिब्रेशन करते हैं तब भी मिलता है दोस्तों। एंड प्लस सिलेंड्रिकल एफ्टर पोरिंग, ये मन से लिखना है दोस्तों। जैसे उसके बराबर पकड़ लेता हूँ 19100। ठीक है दोस्तों, अभी मुझे क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। 30,000 - 19100 - 29,23, तीनों को माइनस किया तो वेट ऑफ सेंड इन हॉल आ जाएगा दोस्तों 7977। वॉल्यूम ऑफ हॉल इसके लिए क्या रहेगा, सेंड डिवाइड बाई उसका बल्क डेंसिटी, सेंड अपना 7977 डिवाइड बाई 1.415, 56-37। वो अपन यहाँ नोट कर लेंगे दोस्तों। अभी अपना क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ से कंपेक्शन लिखना है अपन को। पहले तो अपन को वेट सोइल या फिर रीडिंग ऑफ RMM, जैसे अपना RMM का कैलिब्रेशन है उस हिसाब से लगाना है। अगर वेट सोइल है अपन, जैसे RMM मीटर से नहीं कर रहे हैं और मॉइस्चर कंटेंट चेक करके फिर अपन मॉइस्चर निकाल रहे हैं, तो वो यहाँ लिखना है। जैसे अपन RMM से करते हैं तो RMM का जो रीडिंग आया वो यहाँ नोट करेंगे, और उस पर कितना कैलिब्रेशन है मॉइस्चर आ रहा है वो नोट करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ 8 है और 8 पे हमारा 8.11 आ रहा है मॉइस्चर। ठीक है दोस्तों, वो हम यहाँ नोट कर लेंगे। अभी हमें कितना कंपेक्शन चाहिए, जैसे 97 कंपेक्शन चाहिए, 97.5। तो 97 अपन याद रखेंगे और 5 अपने मन में नोट कर लेंगे अपने याद रखने के लिए। अभी क्या करेंगे, 97.56 इतना अपन को रिपोर्ट बनाना है इनटू MDD 1.971%। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना है, इनटू ये अपना ड्राई डेंसिटी आ गया, इनटू करना है दोस्तों 108.11 और परसेंटेज 100 प्लस करके करना है। परसेंटेज दबाएंगे दोस्तों तो अपना वेट डेंसिटी आ जाएगा, इनटू वॉल्यूम करेंगे 56-37 तो सोइल का वेट आ जाएगा दोस्तों 11719। यहाँ नोट करेंगे 11719। अभी क्या करेंगे दोस्तों, जो सोइल का वेट आ गया है, वेट मटेरियल फॉल फ्रॉम हॉल 11719 डिवाइड बाई वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम, तो डेंसिटी आ जाएगा, वेट डेंसिटी आ गया दोस्तों 2.079। अब इसको डिवाइड देना है दोस्तों, वापस हुई सेम प्रोसेस 108.11। अब परसेंटेज दबाएंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा अपना डेंसिटी 1.923। अभी इसी को डिवाइड देना है दोस्तों, उसी को डिवाइड देना है MDD में 1.971 और परसेंटेज लगाना है दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज 100 या फिर 100 से भाग दे देना है, तो अपना आ जाएगा 97.56। ये अपना कंपेक्शन आ गया है दोस्तों।